नमस्कार। हेलो फ्रेंड, झटपट झटपट घरेलू डिश में आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड, आज हम बनाएंगे बिल्कुल यूनिक ट्रिक्स है मोमो मोदक। फ्रेंड, ये मोमो मोदक बहुत ही टेस्टी और बहुत ही इजी है। फ्रेंड, तो चलिए बनाते हैं मोमो मोदक। फ्रेंड, तो कि एक पिंच काली मिर्च, नमक स्वाद अनुसार, एक पिंच अजीनोमोटो ले लेंगे फ्रेंड, जो चाइनीज नमक होता है। फ्रेंड, मैदा एक मीडियम साइज बॉल से ले लेंगे या 100 ग्राम ले लेंगे। हरी मिर्च फ्रेंड 5-6 ले लेंगे, और ये देखिए बहुत बारीक कटा हुआ बंधा गोभी ले लीजिएगा, जितना बारीक कट सके आप उससे काटिए। फ्रेंड, तो बंधा गोभी हमने धो के अच्छे से काट लिए हैं फ्रेंड, और रिफाइन ऑयल ले लेंगे फ्रेंड थोड़ा। तो चलिए अब हम बनाते हैं 1 से 2 चम्मच रिफाइन ऑयल, 2 मिनट में मोमो मोदक बनाएंगे। फ्रेंड देखिए, फ्रेंड गैस पे कढ़ाई रख दी, एकदम थोड़ा सा तेल डालेंगे, 2-3 ड्रॉप ही तेल डालेंगे फ्रेंड, तेल ज्यादा नहीं डालेंगे इसमें। फ्रेंड देखिए, फ्रेंड तेल गर्म हो गया, अब इसमें बंधा गोभी को डाल लीजिए, साथ में हरी मिर्च डाल लेंगे फ्रेंड, और थोड़ी देर इसको इस तरह फ्राई होने दीजिए खुले में, ताकि इसको ढकेंगे नहीं, स्टीम नहीं लगना है फ्रेंड, इसके पानी को सुखाना है फ्रेंड बिल्कुल। तो इस तरह इसको फ्राई होने दीजिए। हरी मिर्च डला हुआ, ये तीखा तो पहले ही बहुत हो गया फ्रेंड, अब इसमें थोड़ा सा काली मिर्च डाल लीजिए ब्लैक पेपर, और थोड़ा सा नमक अभी नहीं डालेंगे, थोड़ा सा नमक डालेंगे जब हम इसको उतारेंगे स्टफिंग करते समय, तभी हम नमक डालेंगे, नहीं तो पानी छोड़ के ये बहुत ही खराब हो जाएगा फ्रेंड। आपका स्टफिंग अच्छे से जब आप भरिएगा मोमो में तो ये अच्छे से नहीं होगा, तो नमक बिल्कुल पानी सूखने के बाद ही डालिएगा फ्रेंड बिल्कुल लास्ट में। देखिए फ्रेंड, 10 मिनट बाद ये हमारा बिल्कुल ड्राई हो गया, अब इसमें हम 1 पिंच नमक डालेंगे, ज्यादा नहीं डालेंगे, 1 छोटी चम्मच से भी कम नमक डालेंगे फ्रेंड। ये देखिए बिल्कुल मतलब ड्राई करना है, पानी बिल्कुल ना रहे फ्रेंड। नमक अजीनोमोटो 1 चम्मच डालेंगे फ्रेंड, और इसको बिल्कुल ठंडा होने के लिए रख देंगे फ्रेंड। देखिए फ्रेंड, अब हम मैदे को थोड़ा थोड़ा पानी डाल के गूथ लेते हैं। देखिए फ्रेंड, एकदम सॉफ्ट आटा लगकर तैयार हो गया फ्रेंड, अब हाथों पे थोड़ा सा रिफाइन ऑयल लगा लीजिए फ्रेंड। मीडियम साइज बॉल ले लेंगे, देखिए इसका, और छोटा छोटा पेड़ा की तरह काट के बॉल बना लेंगे फ्रेंड। ये देखिए, अब ये मैदे में डीप करेंगे और इसको यहाँ पे रख के बेल लेंगे फ्रेंड। देखिए फ्रेंड, एक से एक बार इसको देखिए, ध्यान से देखिए, हमने इसको मिलाए फ्रेंड, ये मोमो मोदक बहुत ही आराम से बनता है फ्रेंड। ये देखिए, फिर इसके चारों तरफ से यहाँ पे ले आए, और इसको देखिए इस तरह करेंगे फ्रेंड। ये देखिए, इसके मुंह को मिला लेंगे, स्मॉल साइज ये मोमो मोदक बहुत ही टेस्टी है फ्रेंड। ये देखिए आप, अब इसको मुंह मोदक की तरह बना लेंगे फ्रेंड, और इसको बीच में एक चाकू से थोड़ा सा ऐसे ऐसे बस, ये देखिए कितना अच्छा ये मोदक की तरह बिना मोल्ड के हो गया फ्रेंड। ये देखिए आप, बहुत इजी है फ्रेंड और बहुत ही टेस्टी है फ्रेंड। तो ये सारे को इसी तरह आप बना लीजिए फ्रेंड।
देखे फ्रेंड हम बना लिए। अब इसको स्टीम के लिए रखते हैं फ्रेंड। देखिए फ्रेंड पानी मीडियम फ्लेम पे बिल्कुल उबल रहा है। अब आप इसमें एक कटोरी रखिए, ये देखिए इस कटोरी पे ये हम जाली रख देंगे फ्रेंड बीच में, और इसको मोदक को रखेंगे फ्रेंड। बस चारों तरफ से बीच में कटोरी को रखिएगा फ्रेंड, इस तरह बैठाते हुए रखिए फ्रेंड। अब इसको किसी बर्तन से ढक लेंगे फ्रेंड, ऐसे बर्तन से ढकेंगे जिससे स्टीम बाहर ना आए। देखिए फ्रेंड 2 मिनट बाद हमारा स्टीम लग गया, देखिए ये बिल्कुल तैयार हो गया फ्रेंड। अब इसको हम निकाल लेते हैं। देखिए फ्रेंड, देखिए मोमो मोदक बनकर तैयार हो गया फ्रेंड। ये रेसिपी आप लोगों को अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, रेड बटन जरूर दबाइए फ्रेंड, और झटपट झटपट घरेलू डिश में अपना अनुभव जरूर लिखिए फ्रेंड। नेक्स्ट नए रेसिपी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डला हुआ है, वहां जाकर आप प्लीज देखिए, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं अगले रेसिपी में, तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।